आदमी था। उसके पास एक घोड़ा था और एक गधा था। वो इन दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। आदमी ने अपना सारा सामान गधे पर लाद रखा था। घोड़ा गुरूर से अकड़ता हुआ चल रहा था। गधा बेचारा भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा था। उसे दो कदम चलना दो भर था। आखिर उसने घोड़े से कहा, भाई घोड़े, थोड़ा सा बोझ तुम ले लो, मैं इतना बोझ लेकर नहीं चल सकता। घोड़े ने मुंह फेर कर जवाब दिया, मैं क्यों ले लूं? मुझे तेरी और तेरे बोझ की क्या परवाह? खबरदार जो फिर कभी मुझसे बोझ बांटने को कहा। गधा खामोश हो गया। अब वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गधा थक कर गिर पड़ा। ये देखकर मालिक ने गधे का सारा बोझ उतार कर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े को गुरूर की हकीकत मालूम हुई। उसने बहुत हाथ पांव मारे मगर मालिक के डंडों के आगे एक न चली। मजबूर होकर उसे सारा बोझ बाजार तक ले जाना पड़ा। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई अगर तुम पहले ही थोड़ा सा बोझ ले लेते तो सारा बोझ लेकर क्यों चलना पड़ता? घोड़े ने शर्मसार होकर सर झुका लिया। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं और उनकी मदद नहीं करते, मगर जब उन पर मुसीबत आती है तो रोते चिल्लाते और शोरगुल मचाते हैं। हमें चाहिए कि दुख दर्द में अपने भाइयों का हाथ बटाएं और उनकी मदद करें। दल में सभी पक्षी अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी भी रहते थे, जो अपने बेटे किकी की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से खुश होकर ना खाता। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर आधी फेंक देता। आज तो वो सुबह से रोए जा रहा था और एक नई और अनोखी जिद कर रहा था। मुझे नहीं पता मम्मा पापा, मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैंगो खाऊंगा, मुझे कहीं से भी मैंगो ला कर दे। क्योंकि बेटा जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मैंगो नहीं होते। बेटा हम आपको कहाँ से मैंगो ला कर दे? तो फिर मैं भूखा ही रहूँगा, मुझे मैंगो चाहिए, मैं मैंगो ही खाऊंगा। बेटा समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और मैंगो तो गर्मियों का फल है, सर्दियों में मैंगो नहीं होते। मगर वो छोटा बच्चा कोई बात मानने को तैयार नहीं था। चिड़िया जो कबूतर के पास में ही रहती थी, वो कबूतर के बेटे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ कि बेटा आप क्यों रो जा रहे हैं? चिड़िया बहन क्या बताऊँ, घर में इतना भोजन है, मीठे फल भी हैं, मगर किकी मैंगो खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे मैंगो कहाँ से ला कर दें। चिड़िया बहुत सियानी थी, वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो आप मेरे साथ चले, मैं आपको कहीं से मैंगो ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन इस मौसम में, कबूतर भैया आप किकी को मेरे साथ आने दें, मुझे पूरा विश्वास है किकी सब समझ जाएगा। फिर चिड़िया किकी को अपने साथ लेकर जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर बुलबुल का घर था। चिड़िया किकी को साथ लेकर बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक डेगची रखी हुई थी और उसमें उसने पानी में एक बेरी का फल डाल रखा था। बुलबुल बहन आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही है? बहन चिड़िया क्या बताऊं, ऐसे ठंड के मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक बेरी का फल मिला था, मैंने सोचा हम सब इसे ही पका कर खा लेते हैं। बेरी का फल और वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं, वो क्यों आंटी? चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा हमारे घर में और कुछ भी खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है, इसलिए जो भी मिलता है उसे बांट कर खा लेते हैं। किकी बेटा आपके घर में तो ढेर सारा भोजन है और फिर भी आप अपनी मम्मा और पापा से मैंगो खाने की जिद कर रहे हैं, चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर चिड़िया किकी को साथ लेकर मिठू तोते के घर जाती है। आप कैसे हैं तोते भैया? आप क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, भोजन भी है, मगर मैं खा नहीं सकता, मुझे 3 दिन से सख्त बुखार है, डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से मना कर रखा है। क्यों, वो क्यों? मिठू अंकल आपको डॉक्टर ने खाने से मना क्यों कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है, आप सब स्वस्थ हो, फिर भी आप भगवान का शुक्र अदा नहीं करते हो। मैंगो नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तो और भी तरह तरह के भोजन हैं जिन्हें आप खा सकते हो, आप ये सब भूलकर केवल मैंगो खाने की जिद कर रहे हो। किकी चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है।
फिर चिड़िया कीकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गौरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊँ चिड़िया, 3 दिन से भूखे हैं। जब से ठंड शुरू हुई है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला। किसी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपने मम्मा और पापा को तंग कर रहे हो। ये सब देखकर किकी रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, और फिर भी मैं शुक्र नहीं करता। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि आप ऊपर वाले की दी हुई हर चीज का शुक्र करो और बेमौसम के फल मांग कर अपने मम्मा और पापा को तंग ना करो। फिर चिड़िया कीकी को साथ लेकर उसके घर वापस चली जाती है। कीकी घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर मजे मजे से खा लेता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा, सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं, मैं जिनसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं कि उसने किकी की सोच को बदल दिया था। वो आ गया, मूंगफली बेचने वाली का बेटा, वो आ गया। मम्मा कहती है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पक्षी अपने कामों से नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों से अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो भी है, मूंगफली बेचना भी कोई काम है? मेरी मम्मा मूंगफली बेचती हैं और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा है, हम मेहनत करते हैं। मेरी मम्मा आपकी मम्मा की तरह दूसरे पक्षियों के घरों से चोरियां नहीं करती। ये सुनकर जग्गू चुप हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं, मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है। चिड़िया का बेटा कुकू जब भी बाहर जाता तो ऐसी कुछ बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती। 1, 2, 3 और 4, अरे ये क्या, आज फिर हर रोज की तरह मेरे पैसे कम है। न जाने कौन सा पक्षी हर रोज मुझे चूना लगा जाता है। मम्मा, आप पैसे ध्यान से लिया करें। बेटा, सब पक्षी मेरे जाने वाले ही तो मुझसे मूंगफली लेने आते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है। कोई तो है जो आपसे मूंगफली ले जाता है और वो भी बिना पैसे दिए। हाँ, ऐसा तो है। फिर दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपने खेत में जाती है और अपने मूंगफली के पौधों से मूंगफली तोड़ती है। वो पक्षियों को गरम गरम मूंगफली भून कर देती, उसी कारण चिड़िया की मूंगफली हाथों हाथ ही बिक जाती। मुझे जल्दी जल्दी से 100 रुपए की मूंगफली दे दें। चिड़िया, मुझे कहीं जाना है, इतनी भी क्या जल्दी है। गौरी बहन, ये ले, मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डाल दी है। गौरी कौवी मूंगफली ले लेती है और फिर रोज की तरह चिड़िया को बातों में लगाती है। चिड़िया, छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं सर्दियों की? कुकू बता रहा था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। ठंड भी बहुत है, मैं तो जग्गू को ठंड के दिनों में स्कूल नहीं भेजूंगी। कबूतर भी उड़ता हुआ आता है। चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, मुझे 50 रुपए की गरम गरम मूंगफली दे दें। जैसे ही कबूतर आता है, गौरी कौवी बिना पैसे दिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है और चिड़िया को पता ही नहीं चलता। फिर तो मैं आपको मोटी वाली मूंगफली देती हूँ, आपकी बहन मूंगफली खाकर खुश हो जाएगी। ऐसा करें 60 की कर दें। फिर कबूतर भी चिड़िया को पैसे देता है और मूंगफली लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आग भी जलाना होती और मूंगफली को भूनकर बेचना भी होता, चिड़िया ऐसे सारा दिन काम करती। मम्मा लाए, मैं पैसे गिन देता हूँ। मैंने आज काम बहुत ध्यान से किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आज पैसे पूरे ही होंगे। मम्मा, ये तो 120 रुपए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? 100 रुपए की मूंगफली तो मुझसे गौरी ने ली और फिर 60 की कबूतर ने। इसके अलावा बुलबुल तोता भी तो आए थे, मेरे पैसे आज फिर कम है। अगर ऐसा है तो मैं कल पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरी मम्मा से मूंगफली बिना पैसों के ले जाता है। गौरी कौवी भी अपने घर में बैठी हुई थी। जग्गू, खाओ खाओ, मुफ्त की है, मैं हर रोज उस छोटी चिड़िया को बातों में लगा कर मूंगफली के पैसे दिए बिना ही आ जाती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा और उसका
का बेटा जग्गू हंसने लग जाते हैं। अपने बेटे की तरह वो चिड़िया भी पागल ही है। मम्मा आप ऐसा ही किया करें। दूसरे दिन कुकू सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, मैं जाता हूँ आपके साथ और आज पकड़ते हैं उसे। कौन है वो चोर? फिर कुकू पुलिस को साथ लेकर अपनी मम्मा से थोड़ी दूर चुप कर बैठ जाता है। पक्षी आते हैं और मूंगफली लेते हैं और पैसे देते हैं। अभी तक तो सारे ही पक्षी पैसे देकर जा रहे हैं, आखिर वो कौन है? शाम तक जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर आती है। चिड़िया मुझे 100 रुपए की मूंगफली तो देना, आज मूंगफली पहले से ज्यादा स्वादिष्ट है। गोरी बहन ये ले। चिड़िया चिड़िया मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ मूंगफली वाले लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मैं अपनी माँ के हाथों के लड्डू खाने जा रही हूँ। मूंगफली वाले लड्डू तो मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी, मुझे आज तक उन लड्डुओं का स्वाद याद है। चिड़िया आप थोड़ी काम करो, तुम्हारी मूंगफली जल रही है। फिर तोता भी वहाँ आ जाता है। तोते को देखकर गोरी जग्गू को इशारा देती है और वो बिना पैसे दिए ही वहाँ से उड़ती है। पकड़ी गई, वो कभी बिना पैसे दिए ही जा रही है। पुलिस उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। फिर पुलिस जल्दी से गोरी को पकड़ लेती है। तो ये तुम हो जो हर रोज चिड़िया को चूना लगा जाती हो? नन्ना नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो जेल जाकर ही बताऊंगा। फिर पुलिस गोरी को जेल ले जाती है और जग्गू वहाँ से घर भाग जाता है। मामा मैं ना कहता था कोई तो है जो आपको बिना पैसे दिए ही मूंगफली ले जाता है। तो ये गोरी कव्वी थी, अब पता चलेगा इसे जेल की हवा खाकर सीधी हो जाएगी। ऐसे गोरी कव्वी को चोरी की सजा मिलती है। देखा प्यारे दोस्तों, चोर कितना भी होशियार हो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।